केजीएफ 2 ने रिलीज से पहले भरे हुंकार, एडवांस बुकिंग से बटोर लिए इतने करोड़ रुपए। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर जबरदस्त उत्साह है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अगले कुछ दिनों में सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। हालांकि इस फिल्म ने रिलीज से पहले अपना हुंकार भर दी है। एडवांस बुकिंग के जरिए मूवी ने करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 2 के लिए गुरुवार को कुछ लिमिटेड सेंटर्स में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जिसे लोगों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 12 घंटे में हिंदी बेल्ट में ही 1,07,000 टिकटें बिक गई हैं, जिससे 3.35 करोड़ रुपए की कुल कमाई हुई। पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में 10-10 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। हालांकि अभी बुकिंग केवल सीमित शो पर शुरू हुई है और रविवार तक फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने 5.8 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ एडवांस बुकिंग के जरिए की थी। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 ने 12 घंटे में ही 3.35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। RRR की कमाई 3788 शोज के लिए एडवांस बुकिंग के जरिए हुई थी। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग केवल 1839 शो के जरिए हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म बुधवार यानी 13 अप्रैल तक हिंदी बेल्ट में एडवांस बुकिंग से 15 से 17 करोड़ रुपए तक कमाई कर सकती है। केजीएफ चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे पूरे देश भर में प्यार मिला। साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी बनी, जिसने 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्शन किया था।